नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। भारत के कोविड स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में हैं। पीएम शनिवार को एक हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कोरोना वायरस के साथ साथ टीकाकरण कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी लड़की की शादी में ऐसा तांडव मचाया कि वहां हंगामा हो गया। उसने लड़की के दूल्हे के सामने ही कुल्हाड़ी लेकर हंगामा कर दिया और अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। लोगों ने इसके बाद युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। रात के करीब 11 बजे थे और स्टेज पर जयमाल की रस्म हो रही थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पर थे। दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई ही थी कि पिपराइज का रहने वाला गोलू विश्वकर्मा कुल्हाड़ी लेकर स्टेज पर चढ़ गया और स्टेज पर पहुंचते ही दूल्हे पर कुल्हाड़ी तान दी। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के लगातार गिरते ग्राफ से यूपी सरकार और प्रशासन के साथ भी आम लोग को भी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित की संख्या में भारी कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने के साथ ही ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले के चलते ही अप्रैल माह में बेकाबू हुए कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कोविड 19 से कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव अब भी खिलाड़ियों पर है। सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि केकेआर के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा फिलहाल घर पर ही क्वारंटाइन है। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोच माइक हसी और गेंदबाज कोच एल बैराज एक दिन पहले नेगेटिव पाए गए हैं। हसी अब परिवार से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। इस बीच खबर है कि आईपीएल 2021 के दौरान खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बीच जागरूकता को लेकर कमी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम कुछ बड़े सितारे नहीं दिखेंगे। कोविड के चलते लॉकडाउन की वजह से खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और इस वजह से इंग्लैंड ने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को ब्रेक देने का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड हेराल्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जोस बटलर, क्रिस वॉक्स और सैम कुरेन, जॉनी बेयरस्टो और मोइन अली जैसे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 जून से शुरू होने वाले सीरीज के पहले मैच में नहीं होंगे। इसमें से कुछ खिलाड़ी आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद लंदन पहुंचे हैं और हीथ्रो हवाई अड्डे के नजदीकी होटल में क्वारंटाइन है। इससे अधिकांश खिलाड़ियों न केवल कम अभ्यास किया है बल्कि क्वारंटाइन पीरियड से भी एक ब्रेक चाहते हैं। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।